नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम बनाने वाले हैं बीट रूट और पीनट की बर्फी। बहुत ही टेस्टी और यम्मी कॉम्बिनेशन है, तो चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी बीट रूट और पीनट की बर्फी, जिसे आप फास्ट में भी खा सकते हो। इस बर्फी को बनाने के लिए सबसे पहले जो मूंगफली है एक बाउल भर के, इसे हमने भून लिया है, इसे अलग निकाल लेंगे। और यहाँ पर वही पैन मैंने इस पर फिर से रख दिया है। इसमें मैंने डाला है एक चम्मच घी और ये बीट रूट डाल रहे हैं जो हमने ग्रेट कर ली थी। इसको हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। तो दोस्तों, इसे भूनने में हमें लगभग 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। 5 से 6 मिनट में हमारा जो बीट रूट यानी चुकंदर है वो बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगा। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छा भुन चुका है ये अभी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा मीठा टेस्ट डालने के लिए शुगर, 1 चम्मच भर कर मैंने इसमें चीनी डाली है। अगर आप चाहें तो इसमें चीनी ना डालें, क्योंकि बीट रूट जो है उसमें अपनी खुद की मिठास होती है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें चीनी ज़रूर डालें। तो ये देखिए, चीनी डालने से बहुत अच्छा इसमें लुक आ चुका। इसे अब एक बाउल में निकाल लेते हैं। और चलिए, इसी पैन में मैंने 1/2 कप जो है पानी डाल दिया है चाशनी के लिए, और गैस ऑन कर दी है फिर से मैंने। तो ये देखिए, 50 ग्राम जो है मैंने इसमें शुगर डाली है, और अगर आप कटोरी से नापें तो 1/2 कटोरी मैंने इसमें चीनी डाली है। चीनी को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे, जैसे हम रसगुल्ला और गुलाब जामुन बनाने वाली चाशनी जो यूज़ में लेते हैं, वैसे ही इसके लिए हमें चाशनी बनानी है। थोड़ी सी हमें इसकी थिक चाशनी बनानी है, मतलब एक तार वाली चाशनी हम इसमें बना लेंगे। तो ये देखिए, चाशनी बहुत अच्छी दिखाई देने लगी है। और इसमें बहुत अच्छे कलर के लिए दोस्तों मैंने डाले हैं 2-3 धागे सैफ्रन यानी केसर के, इससे इसमें कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। इसे बहुत अच्छे से मिक्स किया है हमने। तो दोस्तों, मैंने 2-3 धागे और इसमें डाल दिए हैं केसर के, इसमें अच्छा कलर लाने के लिए। और थोड़ी देर हमें इसे कड़छी से इस तरह से चला देना है ताकि जो चाशनी है बिल्कुल इक्वल बन के तैयार हो और कलर जो है इसमें बिल्कुल इक्वल आ जाए। तो ये देखिए, इस तरह से हाथ से हम देख लेंगे। तो अगर आपको लग रहा है एक तार जैसा चाशनी लग रही है थोड़ी, तो आपकी चाशनी तैयार है। हमारी चाशनी भी तैयार हो चुकी है और अब हमने गैस बंद कर दी है दोस्तों। और साथ ही मैं 1-1 चम्मच भर के पीनट वाला पाउडर जो इसमें डालती जाऊंगी, इसे हमें एक साथ नहीं डालना है वरना इसमें लम्ब्स पड़ जाएंगे। और गैस भी हमें बंद ही रखनी है, बंद गैस में ही हमें सारा पीनट का पाउडर इसमें मिला देना है। और इसे जब हम अच्छे से मिला लेंगे तो फिर गैस ऑन करके फिर से इसे हम भुनेंगे। तो ये देखिए, गैस ऑन कर दी है मैंने और इसे अब लगातार चलाना है, बहुत अच्छे से भुनेंगे हम इसे। दोस्तों, हमें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए कितना अच्छा गाढ़ा हो चुका है हमारा मूंगफली का जो मिक्सचर है। ये देखिए, अब तो बहुत अच्छे से तैयार है। और ये देखिए, इस तरह से घी छोड़ रहा है, इसका मतलब हमारा मिक्सचर तैयार है। देखिए, मूंगफली का हमारा मिक्सचर रेडी है। और अब चलिए अपनी ट्रे तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने स्टील की ट्रे ली है, उसे घी से इस तरह से ग्रीस कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हो। और ये जो मिश्रण हमने बनाया है मूंगफली का, इसको हम इसमें फैला देंगे इक्वली। अगर आप चाहें तो स्पैचुला से भी इसे अच्छे से फैला सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इसे अच्छे से फैलाना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो हमने इसे बिल्कुल अच्छे से फैला लिया है। साथ ही ये जो हमने बीट रूट को भुना था घी में, उसको भी इक्वली इस पर फैला देना है इस तरह से। और ध्यान रखिए, आपको जो परत है इसकी वो बिल्कुल पतली रखनी है, इसी से आपकी बर्फी अच्छी जमेगी। तो ये देखिए, मैं इस तरह से फैला रही हूँ और आपको भी इसी तरह से इसे फैलाना है। तो कैसी लगी आपको मेरी नवरात्रा स्पेशल मिठाई, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग नवरात्रा के इस पावन अवसर पर इसे ज़रूर ट्राई करना। और आप सभी को नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।